हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इनोवेटिव जॉय। तो आज हम लोग देख मेरे पास है टॉकिंग ट्रीज। अभी जो ट्रेंड चल रहा है पूरा, सब बच्चा लोग का ये टॉकिंग ट्री, इवन बड़ों में भी ये क्रेज़ है। तो इसका कुछ प्रॉब्लम आया था मेरे पास, ये रहा टॉकिंग ट्री मेरा। तो देखते हैं इसको ओपन करके इसके अंदर है क्या और इसका मेन प्रॉब्लम फंक्शन क्या हो रहा था। ये मूव ज़्यादा ही रुक गया था इसका मूवमेंट। तो आपको जो ओपन करना है, मैं इसको पहले देख चुका हूँ थोड़ा। तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इस रबर बैंड को आपको ऊपर उठा के हंसते हल्का से खोलना है। इसमें स्विच भी है। तो ये रहा अपना, जहाँ जहाँ सॉन्ग्स का स्टिकर दिया हुआ है वहाँ वहाँ एक स्विच है आपका। तो ये रहा हमारा बेस ओपन हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है। और इसके जो सिरा है, जो कि इसका हेड है, तो इसमें आपका जो हिस्सा इधर से चिपका हुआ है, आपको इसे कैंची से काटना है, ये साइड साइड वाला पोर्शन से। तो मैं इस तरफ हिस्सा अलग किया हूँ, इसमें रुई भरा हुआ है और कुछ नहीं है अंदर। इसके अंदर भी रुई है, आप देख सकते हो। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ये रहा अपना स्टिक, ये इसका अंदर फंस चुका था। और इसका अंदर आपका एक ढक्कन लगाया रहता है, ये इसमें ये जो पाइप है ये अटैचमेंट रहता है, ये पाइप। और ये देखिए, ये वो एलईडी लाइट्स, एलईडी वायर लाइट्स, बहुत ही नॉर्मल टेक्नोलॉजी लेकिन बहुत बढ़िया, सस्ता वाला प्रोडक्ट में बहुत बढ़िया दिखा सक चुका है। चलिए इसे ओपन ऑन करके भी देखते हैं। ये देखिए, ये खोलने के बाद भी ये मूव करेगा, लेकिन ओरिजिनल जो मूव है वो रुक चुका था क्योंकि ये ढक्कन खोल चुका था इसका, ये वाला हिस्सा। तो देखते हैं, ये इस तरह से लूप करता है बोल के आपका जो इसका ऊपर कोई भी कवर चढ़ाइए, ये तो कैक्टस का कवर है, कोई भी कवर चढ़ाइए ये इस तरह से मूव करेगा आपका। इसका मूवमेंट जस्ट यही है। ये जो रॉड आपका लगा हुआ है अंदर से, ये पाइप के अंदर, इसका मूवमेंट से ये चलता है। तो हमें क्या करना है, इसे पहले बंद कर लेता हूँ। ये बंद किया। हमें जो करना है, ये सारा पोर्शन हटाना है और ये जो एलईडी लाइट है इसे नॉर्मली इसके अंदर लगाना है। और इसे गन ग्लू से चिपकाया हुआ था, तो इसे भी इसके साथ गन ग्लू से चिपकाना है। चिपकने के बाद ये ऊपर से ये कवर चढ़ा देने से इसका मूवमेंट फिर से सही हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहा अपना कैक्टस, कैक्टस ट्री। तो अगर आपका कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो आप इस तरह से ओपन करिएगा। और इसका जो पैनल जो है अंदर, जो बोर्ड और सर्किट जो खोलना है, तो उसका लिए आपको पहले ये वाला हिस्सा को हटाना है, ठीक है। उसके बाद अंदर का पैनल और बैटरी निकल आता है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।